श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 10 से शुरू करेंगे। असल में 9वें को भी मैं रिकैप्चुरेट करूंगा, यज्ञ पे बात चल रही थी। भगवान कृष्ण जी ने 9वें श्लोक में कहा सारे कर्मों को यज्ञ बना, यज्ञात कर्मणोन यत्र लोको कर्म लोको यम कर्म बंधन। विषय है कर्म योग पे, तो आप कर्म क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब तक करोगे और करने के बाद फल को कैसे स्वीकार करोगे। चार प्रश्न अपने आप से पूछो, व्हाई एम आई डूइंग दिस एक्शन। मैं ये गीता क्लास ले रहा हूं क्यों ले रहा हूं, व्हाई एम आई डूइंग दिस। आप ऑफिस जा रहे हो क्यों जा रहे हो, बच्चा स्कूल जा रहा है क्यों जा रहा है। हर कर्म का कोई ना कोई कारण होता है। हमारे कर्म के 5 कारण होते हैं, या तो फाइनेंशियल रीजन से हम कर्म करते हैं, ज्यादातर कर्म का कारण पैसा होता है। स्कूल भी आप वही सब्जेक्ट पढ़ाते हो जिसमें मॉनेटरी बेनिफिट ज्यादा हो। आप अपने बच्चे को पर्शियन नहीं पढ़ाते, संस्कृत नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि उसका फ्यूचर कुछ नहीं। आजकल लोग चाइनीज ज्यादा सीख रहे, कोरियन लैंग्वेज ज्यादा सीख रहे। क्यों सीख रहे, क्योंकि उससे लगता है इसका फ्यूचर है। पहले स्पेनिश ज्यादा सीखी जाती थी, फ्रेंच ज्यादा सीखी जाती। तो हम कोई भी कर्म कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। पहला रीजन है मोस्ट ऑफ अस वर्क्स इन दिस वर्ल्ड इज फॉर फाइनेंसेस, पैसा। बाकी सब सेकेंडरी हो जाती है। मैं आपको बोलूं कि आपके बच्चे को जॉब मिली है ब्राजील के अमेज़न के जंगलों में और $1,00,000 पर मंथ सैलरी है, $1,00,000 पर मंथ सैलरी है और अमेज़न के जंगल में अकेले जाना, फैमिली नहीं जा सकती। कितने बच्चे चले जाएंगे उस $1,00,000 सैलरी के लिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस। क्यों, क्योंकि पर्पस क्या है, फाइनेंसेस। किसी को बोलो कि 3 हफ्ते के लिए ब्रह्म विद्या सीखने, स्पिरिचुअल नॉलेज सीखने गीता एकेडमी आना है, 3 हफ्ते इतना लंबा। तो हमारे सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग है। तो ज्यादातर हमारा कर्म जो होता है वो मनी के लिए, पैसे के लिए, या फिर फिजिकल हेल्थ के लिए होता है। पैसे के लिए ना हो तो हेल्थ के लिए होता है, या फिर बच्चे फैमिली परिवार के लिए होता है, या नाम यश सम्मान के लिए होता है। ये सब जो कर्म के कारण है, कोई कारण हो, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि अच्छा कारण है बुरा कारण, क्यों कर रहे हो। सेकंड है कैसे कर रहे हो कर्म को। कर्म आपके लिए मजा या कर्म आपके लिए सजा। मैंने एग्जांपल दिया था वेट लिफ्टिंग करने वाले 2 बच्चों का, एक जिम के अंदर कर रहा था और एक जिम के बाहर कर रहा था। जिम के अंदर एक लड़का वेट उठा रहा था, पसीनो पसीन था, पूरा स्वेट कर रहा था, और यदि इंस्ट्रक्टर 100 किलो से 110 किलो कर दे तो खुश हो जाता, और वो वेट उठाने का पैसा दे रहा, वेट उठाने का पैसा दे रहा वो। लेकिन दूसरी तरफ उसी जिम के बाहर एक और आदमी ईंटें उठा रहा है, वो भी भार उठा रहा है, उसको भार उठाने के पैसे मिल रहे हैं। दोनों पसीनों पसीना, एक को पैसे मिल रहे हैं, एक पैसे दे रहा है, लेकिन एक के लिए कर्म मजा है, दूसरे के लिए कर्म सजा। अब आप और मैं अपने कर्म को मजे से करते हैं, सजा से करते हैं। करना तो पड़ेगा, वो तो ऑप्शन है नहीं। कश्चित क्षण अभी जातो तिष्ठत पे कर्म कर, बिना कर्म के तो हम रह नहीं सकते। अब सारा दिन सो तो सकते नहीं, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने उसे भी जागना ही पड़ता था। सो देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब भगवान जी आपको कहते हैं कर्म को कैसे किया जाए, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है यज्ञ करो। हर कर्म को यज्ञ हेतु कर्म के सिवाय अन्य यहां लोक कर्म बंधन है। If you are doing anything other than yajna, वो कर्म आपको मुझको बांधेंगे, बंधन में डालेंगे।
कर्म यज्ञ के नहीं कर रहे तो सेल्फिश होके कर रहे, तो ऑपोजिट ऑफ यज्ञ इज सेल्फिश होके कर रहे। और अगर सेल्फिश होके अपने बच्चों की फैमिली की जॉब की प्रेफरेशन प्रोफेशन के कार्य कर रहे हो तो आपको बंधन मिलेंगे। बंधन क्या होंगे, ना तो छोड़े बनेगा ना लिए बनेगा। हिमालय में बंदर बड़े तंग करते हैं, हिमालय के अंदर बंदरों का बड़ा ही प्रकोप हो जाता है और साधुओं की साधना में विघ्न डल जाता है। तो साधु क्या करते हैं, गर्मी में थोड़े से चने रख के जमीन में गाड़ देते हैं। गर्मी में गर्मी को ऐसी होती है, गर्मी आप सब जानते ही होंगे, नीचे से मोटी होती है और ऊपर से छोटी होती है। गर्मी में कुछ चने रख के जमीन पे गाड़ देते हैं। अब बंदर आते हैं, अब बंदर आते हैं तो क्या करते हैं, उस गर्मी के अंदर हाथ डालते हैं और जब हाथ डालते हैं उस गर्मी में चने लेने के लिए तो मुट्ठी बंद हो जाती है। और जब मुट्ठी बंद हो जाती है तो गर्मी निकलती, गर्मी से हाथ नहीं निकलता। अब हाथ निकालना तो उंगलियों को छोटा लोटा बोलते हैं, लोटा बोलते हैं उसको हिंदी में। और हाथ यदि आप खोल देते हो तो छोले निकल जाते हैं, चने निकल जाते हैं और हाथ निकल जाता है। चने चाहता है तो मुट्ठी बंद हो जाती है, मुट्ठी बंद हो जाती है लोटे से हाथ नहीं निकलता, और यदि हाथ निकलता है तो चने छूट जाते। इन द स्टोरी को सारा दिन बंदर उसी प्रक्रिया में लगे रहते हैं, न चने लिए बनते हैं न छोड़े बनते। अरे सारे झमेले में ऋषि लोग आराम से अपनी साधना करते हैं। यही हमारी जिंदगी है। बोलते हैं सांप के मुंह में चुचुंदर तो मुंह में आ गया, अब ना निकाले बनता। जो जो आपने अपने सर पे कर्म का बोझा ओढ़ा हुआ है, जो जो आपने सेल्फ अपॉइंटेड लॉर्ड बन के कर्म की झोला ओढ़ा हुआ है, वो ना छोड़े बनता है ना पकड़े बनता है, क्योंकि वो बंधन आ गया। क्यों, किस लिए किया था, या तो पैसे के लिए किया था, या परिवार के लिए किया था, या नाम यश के लिए किया था। भगवान जी इसका तरीका देते, कहते हैं कर्म वही करो, कोई कर्म को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल प्लीज, यू डोंट हैव टू चेंज योर कर्म। आपको कर्म को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कर्म कर रहे हो उसको ब्रह्मार्पणम करो, कृष्णार्पणम कर दो, यज्ञ कर दो। यज्ञ का मतलब प्रभु मैं नहीं कर रहा, आपने मुझे इस आहुति डालने के लिए निमित्त बनाया। मन और बुद्धि को प्रभु के साथ जोड़ के इसको बाहर रखो, अहंकार से मत करो और मैकेनिकल मत करो, मन और बुद्धि प्रभु के साथ जोड़ो। जो भी कर्म कर रहे हो इस भाव से करो कि मैं नहीं कर रहा, प्रभु आपने मुझे इस कर्म के लिए निमित्त बनाया। और अपना कर्म क्षेत्र जो आपका है, you may be teacher, butcher, preacher, waiter, administrator, it doesn't make any difference. आप कुछ किसी भी profession में हो, it's not that you have to be spiritual master to be do yajna. हर आदमी, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी, हर कोने, हर समय यज्ञ कर सकते। अब हम खाना भी खा रहे हो, ये यज्ञ आहुति, अन्न आहुति है और पेट हवन कुंड है। मैं आपका दिमाग जो है वो हवन कुंड है जिसमें मैं विचारों की आहुति डाल रहा हूँ। जमीन हवन कुंड है जिसमें आप बीज की आहुति डालते हो, क्या पैदा होता है, वनस्पति। समुद्र हवन कुंड है जिसमें सूरज की रोशनी की आहुति पड़ती है, क्या पैदा होता है, भाप। तो आपका जो कर्म क्षेत्र है, यू मे बी बिजनेस, यू मे हैव अ शॉप, यू मे हैव अ हाउस, यू मे बी हाउस वाइफ, यू मे बी रनिंग 1,000 crore turnover company, it doesn't matter. किसी का यज्ञशाला छोटी है, किसी की यज्ञशाला बड़ी है। बिरला टाटा अंबानी की यज्ञशाला बड़ी है, उनकी बड़ी यज्ञशाला। उनका एक रॉन्ग डिसीजन क्या कर सकता है, बिरला टाटा अंबानी का बहुत बड़ा यज्ञशाला उनकी। Lacks and lacks people are dependent, literally dependent. उनकी एक गलत आहुति क्या कर सकती है, पूरे व्यापार को भस्म कर सकती है। किसी की छोटा आहुति है, किसी की चार आदमी एम्प्लॉय है, पांच एम्प्लॉय है, घर ही है, वो भी हवन कुंड है। तो घर के लोग
उस हवन कुंड में यदि शुभ कर्मों की आहुति डालते हैं तो आपका कर्म क्षेत्र योर फील्ड ऑफ एक्टिविटीज हवन कुंड आपकी अग्नि जो है वो ग्रोथ है वो एवोल्यूशन है और आप जो सामग्री डालते हो वो एफर्ट है और उसके बाद आहुति होती है और बाद में राग भी मिले तो शर्म आते हैं। आपने देखा होगा तीन उंगलियां यहां से लगाई जाती है ये वैष्णवाइट लोग बनारस जाओ तो वहां ये तीन उंगलियों से टीका लगाते हैं और अगर आप वृंदावन जाओ तो यू लगाते हैं। ये तीन उंगलियों को शैवाइट्स का मतलब है आप तमस रजस सत्व तीनों से निर्गुण हो गए तीनों गुणों से आप ऊपर हो गए। तो जब यज्ञ करते हो तो आप सर पे तीन उंगलियों से ये करते हो मीनिंग जो भी फल मिले वो प्रसाद स्वरूप है। सारे कर्मों यज्ञ में सारे मीन्स सारे ये नहीं दिन में पांच छह कर्म तो मैं भगवान के लिए करता हूं कुछ कर्म अपने लिए करता हूं कुछ कर्म नहीं सारे कर्म। जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यू आर 24/7 गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप अम्बेसडर हो गवर्नमेंट भारत सरकार के जर्मनी में भारत सरकार में यदि आप जर्मनी में अम्बेसडर हो 24/7 यू आर अम्बेसडर। आप ये नहीं कह सकते 8 घंटे आना इंडियन अम्बेसडर और बाकी दिन में पब में बैठ के उल्टी सुलटी हल करते रहो। यू आर नॉट सपोज टू डू इट। हिंदुस्तान का एक क्रिकेटर था नाम नहीं मैं बताऊंगा किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान का क्रिकेटर था 1970 की बात है वो इंग्लैंड में गया और इंग्लैंड में जाके इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा था इंडियन क्रिकेट टीम को और इंग्लैंड में जाके उसने शॉप लिफ्टिंग कर ली सॉक्स की जुराबे चुराई उसने लॉस्ट एवरीथिंग। आई वोंट इवन मेंशन द नेम The reason, if you are representing India, you are representing for 24/7. आप ये नहीं कह सकते क्रिकेट में तो I'm playing very well यदि मैंने गलती कर दी मुझे फाइन कर दो no way because you are 24/7 working for India. Similarly, if I'm a husband, I'm 24/7 I'm loyal to her. Not just 20 hours in a day, 4 hours I'm not loyal to her. If the wife is committed to husband is 24/7 she can't say 23 hour I'm committed to you 1 hour I'm committed to somebody else say appa so don't get into this har karm ko aur koi naraaz nahi hoga aapse please main ye idea samajh lijiye yajna se karoge to koi naraaz nahi hoga आप अपनी पत्नी को माँ को बेटी को बच्चे को इस भाव से करो कि प्रभु ने मुझे आपके इस कार्य के लिए निमित्त बनाया एंड सो थैंकफुल टू द लॉर्ड दैट उन्होंने मुझे निमित्त बनाया कि आई कैन डू समथिंग फॉर द फैमिली और अ कंट्री और सोसाइटी। कोई थोबड़ा सुझा के नाराज होकर नहीं बैठेगा लेकिन जब अहंकार से करोगे तो लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी And the more you demand, the less you command. The more you demand, the less you command. The less you demand, the more you command. I repeat, the less you demand, the more you command. The more you demand, the less you command. So, हम सब लोग सारे कर्मों को इसलिए करें प्रभु शुक्र है आपने मुझे इस कर्म के लिए योग्य बनाया और अगर मुश्किल काम किया है तो और खुश हो जाएगी। स्कूल में प्रिंसिपल मुश्किल काम किसको देता है स्कूल में टीचर मुश्किल क्वेश्चन किसको देता है ऑफिस में मुश्किल काम आप किसको देते हो जो कैपेबल हो और अगर प्रकृति ने आपको टफ कुकी टू क्रैक करने को बोला टफ मुश्किल काम को बोला तो इसका मतलब क्या है यज्ञ है यज्ञ करो और यज्ञ से तू यज्ञ भी कर बिना लगाव के 9th verse कहता है उसमें भी अटैच मत हो जा हाय मेरे बिना क्या होगा तेरे बिना कुछ नहीं होगा दुनिया फिर भी चलेगी। हम यज्ञ क्या तो करते नहीं यज्ञ सैक्रिफाइस करते यज्ञ मीन सैक्रिफाइस या तो सैक्रिफाइस करते नहीं सेल्फिश हो जाते करते हैं तो सेल्फ अपॉइंटेड लॉर्ड हो जाते हैं फिर सोचते मेरे बिना तो कुछ हो नहीं सकता। बचपन में दूरदर्शन में एक प्ले आया था मुझे आज तक याद है
प्रवृत्ति थी याद करने की, वो प्ले स्टेज, ताकि 50 साल बाद मैं आपको, 40-45 साल बाद मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊं, भूल गए होंगे। स्टोरी थी एक पोस्ट मास्टर की, एक छोटे से कस्बे में एक पोस्ट मास्टर था जो सारा सर पे अपने ले लेता था, सारा काम सर पे अपने ले लेता था, और बाकी सारे लोग निठल्ले आलसी सुस्त बैठे थे। और वो रिटायरमेंट के करीब आ गया था, उसने सोचा मैं रिटायर हो रहा हूं, ये पोस्ट ऑफिस तो बंद हो जाए क्योंकि किसी को तो काम आता ही नहीं। कई बार ना जो मैनेजर्स होते हैं अपने जूनियर को काम समझाते नहीं, सिखाते नहीं, दे डोंट टीच देयर सबॉर्डिनेट। क्यों? क्योंकि सोचते हैं ये सीख के तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। कई बार ईगो इतनी होती है कई लोगों में कि कर्म तो अच्छा करते हैं, कर्म तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सेकेंड जनरेशन नहीं क्रिएट, ईगो आ जाती कि मेरे बिना तो कोई, मेरी वर्थ खत्म हो जाएगी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आइडिया। बट हैविंग सेड दैट, वो पोस्ट मास्टर बड़ा दुखी, बड़ा दुखी था, और उस दुखी होते होते वो रिटायर हो गया। रिटायर हो गया, अपने गांव चला गया। 6-7 महीने बाद छुपके शॉल लेके वो उसी पोस्ट ऑफिस में दोबारा गया जिसमें उसने कई साल काम किया और सेल्फ अपॉइंटेड लॉर्डशिप करी थी, मेरे बिना तो काम नहीं होगा। उस 6 महीने बाद जब उस पोस्ट ऑफिस में देखा तो सारा काम चल रहा था, कोई काम रुका नहीं। सो ये मत सोचना कि आप नहीं रोगे तो परिवार चलेगा, ये मत सोचना कि आप नहीं रोगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ये मत सोचना कि आप नहीं रोगे तो बिजनेस ठप हो जाएगा, ये मत सोच लेना कि आप नहीं रोगे तो दुनिया में सब कुछ खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सो यज्ञ कर रहे हो उसको पूरे एंथुसियाज्म से करो, बिना लगाव से करो। इसको आगे बढ़ाते हैं भगवान जी, श्लोक नंबर 10 अध्याय नंबर 3। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यद्वम् एषवो स्विष्ट कामधुक् सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एषवो स्विष्ट कामधुक्। द क्रिएटर हैविंग इन द बिगिनिंग created mankind together with yajna sacrifice said, by this shall you propagate, let this be the milch cow of your desired objects. Saha yajna praja srishta purovacha prajapati, jab prajapati creator ne duniya rachi, jab racheta ne prajapati brahma ji ne प्रजापति ने जब उत्पत्ति करी तो यज्ञ सहित मानवता को रचा। Now please remember, the creator having in the beginning created mankind together with yajna, तो हर मनुष्य को बर्थडे गिफ्ट दिया क्रिएटर ने। Every human being got a birthday gift and that birthday gift is to sacrifice personal interest for a higher cause। हर मनुष्य को एक बर्थडे गिफ्ट मिला कि अपने पर्सनल, अपने स्वार्थ को त्याग के हायर कॉज के लिए करो। नो एनिमल कैन डू दिस, नो एनिमल कैन डू दिस। दुनिया के सबसे अटैच्ड एनिमल में से जो दिखाया जाता है वो है बंदरिया। एक्सट्रीमिटी है अटैचमेंट की। बंदरिया के जब बच्चे की डेथ हो जाती जाती है तो उसको छाती में रखती है, छाती में रख के ले जाती है, वो सड़ना शुरू हो जाता है बच्चा, फिर भी नहीं छोड़ती, सड़ के गलना शुरू हो जाता है फिर भी नहीं छोड़ती। और जब वो गड़ के कीड़े पड़ के उसकी की बॉडी में लगते हैं बंदरिया के, तब वो छोटे बच्चे को छोड़ती है। दिस इज द एक्सट्रीमिटी ऑफ अटैचमेंट। एंड स्वामी रामतीर्थ का एक्सपेरिमेंट है, रामतीर्थ जी ने किया, उसको यूरोप में भी किया, लेकिन मैं यूरोप एग्जाम्पल बताता हूँ। रामतीर्थ जी का बाढ़ का एग्जाम्पल कि एक बहुत बड़े बीकर में, बहुत बड़े 6 फीट बड़े बीकर में एक बंदर को रखा, बंदरिया को रखा अपने उसके बच्चे के साथ, और उसके साथ क्या हुआ,
पानी बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, जितना ऊपर बढ़ता वो बच्चे को ऊपर रखती, और जैसे पानी उसके सर के ऊपर साया उसने एक अजीब हरकत की, उस बच्चे को जो सर पे था उसको नीचे रख के उसके ऊपर खड़ी हो गई ताकि उसे सांस मिल जाए। Now I'm making this story just to drive home point. Only you and I have a capability to sacrifice our personal interest for higher cause. हम अपने जीवन को sacrifice कर देते हैं देश के लिए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु जैसे शहीदों ने अपने स्वार्थ को त्याग के देश के लिए यज्ञ किया, वो सैक्रिफाइस किया। भगवान कहते हैं प्रजापति ने उत्पत्ति में यज्ञ के साथ मानवता को रचा और कहा तुम इससे फलो फूलो, मे दिस बी द मिल्च काउ ऑफ योर लाइफ, ये आपके जीवन में काम धेनु बने। जब मंथन हुआ तो सबसे पहले वह हलहला विष निकला, हलहला विष निकलते 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 फिर कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय वो गाय है जिससे जो भी विश करो वो पूरा हो जाता है। Now I am bringing this whole story कि so हम सब लाइफ में क्या करते हैं, अपनी लाइफ को फैमिली के लिए बच्चों के लिए, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस टू सैक्रिफाइस पर्सनल इंटरेस्ट फॉर आवर फैमिली फॉर आवर किड्स। नो एनिमल कैन डू दैट, बहुत भयंकर हो जाता। सो हम सबकी लाइफ में सैक्रिफाइस इज द गोल्डन रूल। इन कहते हैं दूसरे के लिए कार्य क्षमता ना किसी जानवर ने, तो हमारे पास जन्मदिन का तोहफा मिला है और वो तोहफा क्या है, तुम उससे सैक्रिफाइस करो, ये तुम्हें फला फूले और ये तुम्हारी इच्छित कामनाओं को करने वाला। Now, there's a pun in this word. There's a beautiful, interesting idea इसमें। वो आइडिया क्या है कि श्लोक नंबर 9 में भगवान जी ने लौकिक संस्कृत बोली और श्लोक नंबर 10 के हाफ में भगवान जी ने वैदिक संस्कृत बोली है। अनेन प्रसविश्वद्धम एष वोस्तुष्ट्वा तामदो, ये वैदिक संस्कृत है, लोकल संस्कृत नहीं। जैसे शेक्सपियर इंग्लिश होती है, लोकल इंग्लिश है। जैसे आप पुराने जमाने की हिंदी देखो, यदि आप महाभारत रामायण देखो तो उसमें खाए खाएगा पिएगा ये नहीं बोला, वहां पे बोलता मांगता खाता ऐसे शब्द नहीं किए। जब आप रामायण की हिंदी देखो तो वो हिंदी एक सोफिस्टिकेटेड, एक कल्चर है, भाषा बदली है। अब यदि उपनिषद की संस्कृत देखो तो उसका लहजा अलग, गीता की संस्कृत देखो तो उसका फ्लेवर अलग है, और अगर आप भज गोविंदम की संस्कृत देखो तो उसमें और डिफरेंस है, इजी है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, सिंपल है, उसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश, मुश्किल संस्कृत नहीं है भज गोविंदम, आसान है। गीता की थोड़ी सी मुश्किल है और उपनिषदों की काफी मुश्किल है। तो भगवान जी ने नॉर्मल उस समय की लोकल संस्कृत बोल रहे थे एंड सडनली वैदिक संस्कृत में आ गए, दो श्लोक का एक एक पार्ट वैदिक संस्कृत में आए और फिर लौकिक संस्कृत में आ गए। इट्स ए इनक्रेडिबल पोर्शन। कहते हैं तुम इनसे फूलो फूलो, ये तुम्हारी इच्छित कामना करने वाला, ये वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत नहीं। मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको क्या मतलब। मान लीजिए आप एक कंपनी चलाते हो साबुन बनाते, कोई साबुन बनाते, मैं नाम ले लेता हूं फेना डिटर्जेंट बनाते, फेना डिटर्जेंट बनाते, और आपका सेल्समैन सभी इंडिया जाते हैं सेल्स करने जाते, हर किसी की अपनी एक एक लिमिटेशन होती। एक दिन मालिक क्या करता है, प्रदीप जौली जी, मालिक क्या करता है, वेश धारण करके सेल्समैन का वेश धारण करके शॉपकीपर के पास पहुंचता है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है। डिस्ट्रीब्यूटर सोच रहा है मेरे सामने सेल्समैन आया,
है कौन वो ओनर? है वो ओनर, लेकिन वो गया क्या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर के पास एज ए सेल्समैन। तो डिस्ट्रीब्यूटर बात कर रहा है मालिक से, लेकिन सोच रहा है कि मैं बात कर रहा हूं एक सेल्समैन से। तो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है भैया प्रोडक्ट तुम्हारा अच्छा है, लेकिन यदि तुम मुझे 2 रुपए कमीशन देते हो, एक अभी 1 रुपए कमीशन देते हो मुझे, यदि तुम 2 रुपए एक टिकिया पे कमीशन देते हो तो मैं 1 लाख टिकिया खरीद लूंगा। और ओनर जो सेल्समैन के रूप में है वो एकदम कहता है डन, ओके ले ले। शॉपकीपर चकराता है, ये क्या बोल गया, ही कांट टेक दैट डिसीजन। एंड देन द ओनर जो सेल्समैन के रूप में वो कहता है मैं लगता मैं पूछ लूंगा अपने बॉस से, और मुझे लगता हो जाए। Now, this is a beauty in the Bhagavad Gita. अर्जुन भगवान जी को दोस्त की तरह मान रहा था, एक सखा एक संबंधी की तरह मान रहा था। उसको पता नहीं था कि उसके सामने नारायण स्वयं खड़े हैं, तभी तो अर्जुन पूछ रहा है का भाषा स्थित प्रज्ञ से, का भाषा समाधि प्रज्ञ कैसे उठता है कैसे बैठता है कैसे करता है क्या लक्षण है। तो यह ऑब्वियस है कि अर्जुन पहचान नहीं पाया कि उसके सामने नीचे स्वयं भगवान कृष्ण बैठे हैं, और भगवान लौकिक संस्कृत में बात कर रहे हैं। सडनली कहते हैं अनेन प्रसविश्वदम एष वोत्कृष्ट काम दुख, ये तुम्हें फले फूले और तुम्हारी इच्छित कामनाओं को फल देने वाली। सडनली वैदिक संस्कृत में भगवान जी ने मनुष्य रूप से अवतार रूप धारण कर लिया, अवतार की पोजीशन पर, जैसे सेल्समैन ने एकदम मालिक का रूप धारण किया और कहा डन 2 रुपए कमीशन डन। फिर दोबारा सेल्समैन के रूप में आगे कहने लगे मुझे लगता है आई विल एबल टू हैंडल इट, तुम इससे फलो फूलो। और ये फैक्ट है, जो आदमी सैक्रिफाइस करता है उसके भंडारे भरे होते, जो आदमी हायर कॉज के लिए जीता जो आदमी हायर कॉज के लिए जीता है उसके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि आती आती है, काम धेनु आती है। प्लीज समझिए आप, इससे बड़ी बात कौन बता सकता है, स्वयं भगवान कृष्ण रिटर्न में गारंटी दे रहे आप। आपने रोलेक्स खरीदी जिनेवा के शोरूम में, जिनेवा के शोरूम में या दिल्ली के लोकल शोरूम में रोलेक्स खरीदी, और कंपनी आपको रिटर्न में गारंटी देती है, उस गारंटी की वैल्यू है, बिल्कुल है, अपने शोरूम से रोलेक्स खरीदी। लेकिन सपोज जिनेवा में कंपनी शोरूम में जाते हो रोलेक्स खरीदने, और रोलेक्स कंपनी के शोरूम में आपको गारंटी कार्ड मिलता, उसकी वैल्यू थोड़ी सी और ज्यादा, दिल्ली के लोकल शॉप से ज्यादा वैल्यू जिनेवा में खुद जाके आपने रोलेक्स के ब्रांड वाली खरीदी। और सपोज आप कंपनी के ओनर सीईओ आपको रिटर्न में गारंटी देता है कि एनीथिंग हैपेंस टू दिस वॉच आई विल टेक केयर ऑफ इट, उस गारंटी के कितनी वैल्यू है। या पूरी कायनात के मालिक भगवान कृष्ण आपको रिटर्न में गारंटी देते हैं कि आपके घर में काम धेनु आए, आपके घर में समृद्धि और शांति आपके पांव दबाएगी। क्या करो, यज्ञ करो। पंगा एक ही है यहाँ पे, हम जिसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं ना, हम चाहते हैं वो ही हमें रिटर्न दे, ये नहीं होता, ये है प्रॉब्लम। आप इमोशन को सैक्रिफाइस करते हो बच्चों के लिए और सोचते बच्चे ही हमें रिटर्न वापस करें, प्रोबेबिलिटी नॉट। एग्जांपल, आप पैसा लेते हो फैक्ट्री से, देते किसको, चौकीदार को, ग्रोसरी शॉप को, प्रोविजन शॉप इसको, सिक्योरिटी वाले को, लेते किसी और से, देते किसी और को। मैंने नॉलेज ली अपने गुरुओं से, मैंने नॉलेज ली अपने गुरु स्वामी पार्थसारथी जी से, नॉलेज ली, अब मैं जाके उनको बोलूं सर आपको पता भगवद गीता के 3रे अध्याय में यज्ञ के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बोला, देयर आर पीपल हु टीचेस मी आल्सो, मैं से पढ़ाओ सुनाओ मुझे लेक्चर झाड़ देते, बट दैट्स ऑल राइट। लेकिन मैं अपने गुरु के पास जाके ज्ञान उनसे लिया, दूंगा किसी और को, और आपको दे रहा हूं, आप आगे जाके किसी और को दोगे,
बाय द सेम टोकन आपने इमोशनली अपने माँ बाप से दिए अपने बच्चों को, वो जाके अपने बच्चों को देंगे, आप क्यों बीच में कबाब में हड्डी बन के घूम रहे हो? और अगर वो दे दें तो शुक्राना, लेकिन आपको इतना प्रेम मिलेगा, इतना प्रेम मिलेगा जिसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उदास बैठेंगे। तो तुम्हारी इच्छित कामनाओं को करेगा सहय क्या प्रजा श्रेष्ठ। तो भगवान ब्रह्मा जी ने जब दुनिया रची तो हर मनुष्य को एक गिफ्ट दी, फ्री गिफ्ट दी, एंड दैट इज टू सैक्रिफाइस। और वो संसारिक सुख भी देगा, एंड देन इट गिव्स यू स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस क्या है? यू हैव टू सैक्रिफाइस योर डिजायर। फाइनली सैक्रिफाइस किसको करना है? अपनी डिजायर को जब सैक्रिफाइस कर दोगे इन द फायर ऑफ नॉलेज, इन द फायर ऑफ नॉलेज जब अपने सेल्फिशनेस को, अपने डिजायर को सैक्रिफाइस करोगे, व्हाट किंडल्ड इज द सेल्फ रियलाइजेशन, चैप्टर 4 में बात है। लेकिन बिफोर दैट चोर के बारे में बात करते हैं। चोर कौन है? 10, 11 और 12 श्लोक, 2 श्लोक करेंगे जिसमें भगवान जी ने 3 तरह के यज्ञ की बात करी है, नहीं अलग अलग 11th बस। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। Nourish the gods with this and may those gods nourish you. Nourishing one another, you shall attain the supreme good. और हर देवता सिंबलाइज करता है कोई हायर गॉड को, हायर कॉज को, हायर डिजायर। पैसे की डिजायर है तो मीडियोकर यक्ष है, हायर लक्ष्मी। पैसे की डिजायर है तो लोएस्ट है यक्ष, हायर है लक्ष्मी। इससे तुम देवताओं को प्रसन्न करो। देवता मीन्स पिक अप ए हायर गोल इन योर लाइफ, पिक अप ए गोल। आपको सर मैं तो गोल्ड हो गया हूं, क्या कैसे हो सकता? एजिंग इज ए मिथ। 62 ईयर्स ओल्ड थे गोस्वामी तुलसीदास जी, सॉरी 72 ईयर ओल्ड थे गोस्वामी तुलसीदास जी जब उन्होंने रामचरितमानस लिखनी शुरू करी। हरे कृष्णा के फाउंडर 62 के थे जब वो पहली बार यूएसए गए और इस कॉन की शुरुआत करी। महात्मा गांधी 47 साल के थे जब उन्होंने भारत आए साउथ अफ्रीका से। मोसेस 80 साल के थे, पहले 40 साल ही वाज किंग, बाकी 40 इयर्स ही वाज इन विल्डरनेस। मोसेस वाज 80 व्हेन ही स्टार्ट फाइंडिंग स्पिरिचुअल जर्नी। तो ये एज का फैक्टर छोड़ दो, हाय मेरी उम्र तो अब निकल गई, जल्दी कर लो बेटर है। लेकिन एजिंग इज अ मिथ। किसी भी उम्र में आप अपनी लाइफ में कोई गोल बना सकते हो। आई नो लॉट्स ऑफ माई स्टूडेंट एज रिटायरमेंट के बाद दे स्टार्ट राइटिंग। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने स्टार्ट राइटिंग। जितनी सुविधाएं आज हैं उतनी पहले नहीं थी। आप ये नहीं कह सकते पहले एज ज्यादा थी आज एज कम है। Who says that? Who says that? 40 साल में बुढ़े हो जाते थे लोग, 60 में सठिया जाते बोलते थे, 60 में सठिया जाते बोला शब्द है हमारे यहाँ, सठिया गया मतलब 50 में तो बेस्ट एलिजिबल बैचलर घूम रहे हमारे। वो कहते उम्र पहले ज्यादा होती थी। That's not a excuse, मत दीजिए मुझे प्लीज। इशू है एक्सक्यूज दे देते पहले ऐसे होता था कि पहले, आज जितनी सुविधा है उतनी। I know a lady after retirement she start writing poems और उनकी poem पूरे दुनिया में जा रही है। I know a man after retirement
वो बुक्स लिखनी शुरू करती है. देर आर पीपल हु स्टडीड होम्योपैथी, देर आर पीपल हु बिकेम लॉयर आफ्टर रिटायरमेंट, पीएचडी करी है कहीं. सो प्लीज डोंट गेट इनटू दिस. लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य हैज टू बी हायर. ये अगर मेरा लक्ष्य है कि मैं रोज रक्त पीनी है एक बार, दिस इज कई पीपल है कहते सर शाम की क्लास, मुझे ओपनली बोलते हैं सर शाम की क्लास में आना तो मुश्किल है. मैं कहा क्यों मुश्किल है सर? नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मंगलवार शाम की क्लास में ना एहसान कर रहे हो मुझ पे, क्लास पे आके एहसान कर रहे हो मुझ पे, तो देवताओं को संतुष्ट करो. इससे तुम पिक अप ए गोल इन योर लाइफ, देवता को संतुष्ट करो और देवता आपको संतुष्ट करेंगे, आपको देवता संतुष्ट करेंगे. पिक अप ए गोल इन योर लाइफ, द गोल विल नरिश यू. If you're working for a small company, बहुत बार example दिया मैंने, आप small company के लिए काम करते हो और small company छोटी सी company आपको करतारपुर होशियारपुर जलंधर भेजती है, आपका खाना पीना रहना कहाँ होगा? ढाबे में. If you're working with a very small company, ढाबे में होगा, छोटे से 2-star 3-star होटल में होगा. But suppose you're working for a Tata, और Tata आपको मद्रास भेजता है, चेन्नई भेजता है, 7 दिन के लिए कहता है यू गो फॉर गो टू चेन्नई, आपका खाना पीना एयरपोर्ट पिकअप एयरपोर्ट ड्रॉप लॉजिंग बोर्डिंग एवरीथिंग विल बी टेकन बाय टाटा बिकॉज़ यू आर वर्किंग फॉर अ टाटा. सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते हो, माइक्रोसॉफ्ट गूगल के लिए काम करते हो, माइक्रोसॉफ्ट आपको सिएटल भेजता है, डू यू हैव टू वरी अबाउट योर लॉजिंग बोर्डिंग फूड एटसेट्रा? आजकल नहीं, आजकल मत जाना. Like, do you have to worry about your lodging, boarding? Everything else will be taken care of because you are working for a microscope. So, suppose आप भारत सरकार के लिए काम करते हो, भारत सरकार आपको अंबेसडर बना के यूरोप भेजती है, जर्मनी भेजती है, क्या होगा? Everything will be taken care. तो भगवान कहते हैं, देवताओं को संतुष्ट करो, देवता तुम्हें संतुष्ट करेंगे और इस संसार में आप प्रभु के अंबेसडर बन के काम करोगे. इस संसार में आप प्रभु के दूत बन के काम करोगे, आपके घर में रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी पांव दबाएगी. प्लीज समझिए, मैं इससे ज्यादा ओपनली कुछ नहीं कह सकता, अनुभव से बता रहा हूं, अनुभव से बता रहा हूं आपको. मैं पूरी कायनात आपके लिए काम करेगी, पूरी कायनात. तुम देवताओं को संतुष्ट करो, देवता तुम्हें पिकअप ए हायर गोल. You nourish a goal. You work for a goal, and the goal will work for you. You work for a company, company will work for you. You work for a country, country will work for you. You work for society, society will take care of you. यज्ञ करो, लेकिन जो समाज से लेता है पर देता नहीं, जो समाज से चाहता है दुनिया करे काम और मैं करूं आराम, ऐसे व्यक्ति को भगवान जी क्या नाम देते हैं? इंटरेस्टिंग है. इष्टान भोगानि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः. इष्टान भोगानि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः. Verily, the gods nourished by sacrifice will give you the desired enjoyments. He who enjoys what is given by them without having offered to them is indeed a thief. ये भारत के पार्लियामेंट के संविधान के सबसे ऊपर वाले लफ्ज पेजेस में छाप देना चाहिए ये श्लोक. भारत के संविधान के सबसे ऊपर वाले पेज पे वी द पीपल ऑफ इंडिया की जगह, आई एम सॉरी टू से, मैं बदनामी नहीं कर रहा, ये श्लोक आना चाहिए.
He who eats without contributing anything to society is a thief. भगवान जी कहते हैं जो चाहते हैं दुनिया मेरे लिए करे, मुझे मुफ्त में पानी मिल जाए, मुझे मुफ्त में बिजली मिल जाए, मुझे मुफ्त में राशन मिल जाए, मुझे मुफ्त में वाईफाई मिल जाए, मुझे मैं कुछ ना करूं काम, दुनिया करे काम और मैं करूं आराम। जिस आदमी में ये प्रवृत्ति है, he wants to eat without contributing anything to society, भगवान जी खुल्लम खुल्ला ओपनली बोलते हैं वो चोर है और भरे पड़े हैं दुनिया में चोर। जॉब कैसी चाहिए हमें, कैसी चाहिए, फादर इन लॉ कैसा चाहिए, वाइफ कैसी चाहिए, हस्बैंड कैसा चाहिए, हमें लाइफ कैसी चाहिए जहां मुझे आराम मिले। I don't want to do anything. Servant, नौकर चाकर हो, and they should take care of me. If you want to eat without contributing anything to society, you are a thief. Please समझे। सारे घरों में यही हो रहा है, परिवार में हो रहा है, समाज में हो रहा है। Free दे दे, free. Buy one get one free. लोग चले जाएंगे। There are no free lunches in this world. पूरा सिस्टम क्योटिक हो चुका है। हमें फ्री में आ जाए, यदि थॉट यही है कि आपको सब चीज मुफ्त में फ्री में मिल जाए, तो कब मिलता है फ्री में सब कुछ? When you are not capable of earning, when physically you are in a problem. So ultimately, मेरी ये इच्छा है कि दुनिया मेरी हेल्प करे, दुनिया मेरी केयर करे। दुनिया मेरी केयर कब करेगी, जब मैं फाइनेंशियली वीक हूं। प्लीज समझे इस आइडिया को, अगले दो मिनट में इसको लूंगा, कल फिर इस श्लोक को समझाऊंगा। आप चाहते हैं कि दुनिया करे मेरी हेल्प करे, आप चाहते हो दुनिया मेरी केयर करे, कब मेरी आपकी केयर होगी, लोग आपके ख्याल कब रखेंगे? जब आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो, जब आप फिजिकल प्रॉब्लम में हो, जब आप इमोशनल इशू है, जब आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स में हो, जब पैसे की किल्लत है तब लोग आपकी केयर करेंगे, जब शरीर से आप डिफिकल्टी है तभी लोग केयर करेंगे, जब मन में बड़ी उदासी है तभी लोग क्रिएट करेंगे। तो अगर आपके अंदर ये इच्छा है कि दुनिया मेरी केयर करे, दुनिया मेरी रिस्पेक्ट करे, दुनिया मेरे बारे में पूछे, दुनिया मेरी हाल चाल पूछे, तो तथास्तु। On the contrary, आपके अंदर ये इच्छा, let me serve the society, let me serve society, let me do something for a nature, for nation, let me do something for a nation। और आप नेशन के लिए कब कर सकते हो? जब फाइनेंशियली वेल ऑफ हो। आप समाज के लिए कब कर सकते हो? जब घर में अर्थ है, भूखे पेट भजन ना होए। So, यदि जैसे आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि लेट मी सर्व सोसाइटी कंट्री और नेशन, नेचर आपको फाइनेंशियली वेलबींग देगी। आप दूसरे की हेल्प कब कर सकते हो? जब शरीर तंदुरुस्त हो तो नेचर आपको तंदुरुस्ती देगी। दूसरे की हेल्प कब कर सकते हो? जब घर पे कलेश ना, घर पे जब इतना कलेश चल रहा, हाउ कैन यू गो एंड हेल्प सोसाइटी? और दूसरे की हेल्प आप तब कर सकते हो जब इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी हो। सो द मोमेंट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फासना ऑफ थॉट दैट लेट मी सर्व फॉर अ यज्ञ करूं, हायर कॉज कर करूं, तो प्रकृति आपको धन से, तन से, मन से, बुद्धि से समृद्धि देगी। और ऑन द कॉन्ट्ररी आपके अंदर ये डिजायर है कि दुनिया मेरी केयर करे, तो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आओगे, फिजिकल प्रॉब्लम, आप आर्थिक समस्याओं में आओगे, आप शरीर की समस्या में आओगे, आप परिवार की समस्या में जुटोगे, आपका दिमाग हमेशा उलझन रहेगी। सो चॉइस इज विद यू सर, पिक अप ए गोल, लक्ष्य बनाओ, श्रेष्ठ लक्ष्य बनाओ, आपको धन से, तन से, मन से, बुद्धि से तृप्ति हो जाएगी। और अगर भीख मांगते रहोगे तो ना आपको, यदि ये कहोगे कि दुनिया मेरी हेल्प करे, तो शरीर से, पैसे से, मन से, बुद्धि से आप हमेशा दीन बने रहोगे। दीन बनना प्रभु की भक्ति नहीं है, सक्षम बनना प्रभु की भक्ति है। आपकी संतान ही आपसे रोज मांगते रहे, पापा ये दे दो, पापा मुझे पैसे दे दो, पापा 50 साल का मुझ मुंडा हो गया, लेकिन अभी तक वो पैसे आपसे मांग रहा, आपको कैसे लगेगा? और ऑन द होल यदि आप सक्षम हो तो यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ।
सो इस श्लोक को मैं और फिर बात समझाऊंगा, लेकिन कल फिर मिलेंगे. आई विल कैच यू फ्रेश टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस. विद दिस वी कंक्लूड द क्लास. ॐ ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. ये दोनों का शुरू